घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी यूनिट होता है ईंट। अगर ईंट अच्छी किस्म का ना हो तो घर ज्यादा दिन चलने की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए जब जब भी हमें घर बनवाना हो तो अच्छी क्वालिटी का ईंट हमें यूज करना चाहिए और फर्स्ट क्लास यानी कि अव्वल ईंट यूज करना चाहिए चिनाई के लिए, दीवार की चिनाई के लिए अव्वल किस्म का जो ईंट हमें प्रयोग करना चाहिए। तो हमें ईंट के बारे में जानकारी लेने के लिए कि कौन सा ईंट अच्छा है या नहीं है, इसको हम साइट पर भी चेक कर सकते हैं, घर पर भी चेक कर सकते हैं और कुछ टेस्ट जो होते हैं जो प्रयोगशाला में करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि अच्छा ईंट जानने के लिए कि ईंट अच्छा है या नहीं, इसको हम घर पर भी कर सकते हैं या साइट पर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं ईंट के जानने के लिए कि ईंट अच्छा है या नहीं। सबसे पहले क्वालिटी टेस्ट ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों की गुणवत्ता चेक कैसे करें, तो कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इम्पैक्ट टेस्ट, प्रभाव परीक्षण, उसके बाद हम देखेंगे कलर टेस्ट, रंग परीक्षण, फिर है शेप एंड साइज यानी कि उसका आकार, शेप एंड साइज आकार देखेंगे कि आकार कैसा होना चाहिए, फिर है एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी कितना अवशोषण करता है इसके आधार पर हम देखेंगे ईंट को, हार्डनेस नेक्स्ट है 6वां नंबर, हार्डनेस यानी कठोरता कितनी है उसको हम चेक करेंगे, डायमेंशन या ब्रिक स्ट्रक्चर यानी इसका डायमेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए तो इसको हम देखेंगे, 8वें नंबर पर इन्फ्लोरेसेंस टेस्ट नी प्रस्फुटन, तो नए नंबर पर हार्डनेस कठोरता, दो बार हो गया हार्डनेस इसको हम मिटा देते हैं, 9वें नंबर पर हम टेस्ट कर सकते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, देखो इसको लैब पर देखना पड़ता है हमें। तो सबसे पहला है इंपैक्ट टेस्ट, प्रभाव परीक्षण। हम क्या करेंगे, साइट पर ईंट को 1 मीटर से गिराते हैं जमीन पर, तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, 1 मीटर पर जब गिराते हैं अगर वो ईंट टूट जाए तो ईंट अच्छा नहीं होगा। 1 मीटर से गिरा, 2-3 ईंटा लेंगे, 1 ईंटा नहीं 2-3 ईंटा लेकर इसको गिराएंगे 1 मीटर से, अगर वो टूट जाता है तो ईंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दूसरे नंबर पर है कलर टेस्ट, ईंट का जो कलर है वो एक समान होना चाहिए, सभी ईंटों का कलर एक समान होना चाहिए और एक ईंट जो है उसमें पूरा कलर समान होना चाहिए, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम इस तरह नहीं होना चाहिए। ये अच्छी क्वालिटी का जो ईंट होता है उसका कलर बिल्कुल एक समान होता है और सभी ईंटों का यानी कि अलग अलग यूनिट के जो ईंट हैं उनका भी कलर समान होना चाहिए। फिर है शेप एंड साइज, तो साइज और शेप जो होता है ये भी समान होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये ईंट ले लेते हैं हम, तो ये ईंट जो है छोटे बड़े हैं तो चिनाई में दिक्कत आती है, इसलिए ईंट का जो साइज है और शेप है ये बिल्कुल समान होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज जो होता है ईंट का 190 × 90 × 90 यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई mm होता है। अगर इंच में हम इसको देखते हैं तो 7.5 × 3.5 × 3.5 इंच में ईंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन जनरल जो साइज जो मार्केट में मिलता है, इन जनरल साइज जो मार्केट में मिलता है उसको हम देखते हैं, वो होता है 9 × 4.3 यानी कि 9 इंच होता है लंबा, 4 इंच चौड़ा और 3 इंच मोटा या ऊंचा कह सकते हैं, मोटा या ऊंचा, ठीक है। हमारे पास एक ईंट है, हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास इंची टेप, ये 9.5 इंच है, 9.5 इंच है, ये हो गया लंबा 9.5 इंच, चौड़ा ये हो गया लगभग ये 4.25 इंच है,
और ये मोटा है 2.5 इंच, इसको देखते हैं, ये 4 इंच है मोटा चौड़ा, लंबा 9 इंच लगभग, थोड़ा कम है, और ये 2.75 इंच इसकी मोटाई है, ठीक है, 9 3 9 4 3 3 मान लीजिए कि 3 से थोड़ा कम है, ये जनरल साइज है इसका ईंट का जो यहाँ मिलता है, यहाँ पर हमारे यहाँ जनरल साइज 9 4 3, ठीक है, 2.5 से 3 तक होता है। तो शेप और साइज जो होता है ये समान होना चाहिए, सभी ईंटों का शेप और साइज समान होना चाहिए जिससे चिनाई में दिक्कत ना आए। अगला पॉइंट है साउंडनेस, ध्वनि। अच्छी क्वालिटी का जो अव्वल किस्म का ईटा होता है, इसको अगर हम आपस में टकराएं तो जैसे लोहा आपस में टकराता है, मेटैलिक साउंड आना चाहिए। मेटैलिक साउंड मतलब जिस तरह मेटल आपस में टकराते हैं तो एक ध्वन होती है, उस तरह इसमें भी होना चाहिए ईट। अगर मेटैलिक साउंड नहीं आता है तो अच्छी क्वालिटी का वो ईट नहीं है। अगला पॉइंट है हार्डनेस, कठोरता, नहीं एब्जॉर्प्शन टेस्ट, यानी कि पानी कितना अवशोषित करता है। तो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अव्वल किस्म का ईटा होता है इसको पानी में डुबो देते हैं, 24 घंटा पानी में डुबो देते हैं, पानी में 24 घंटा डुबा रहना चाहिए। 24 घंटा के बाद हम निकाल कर इसको तौलेंगे, पहले तौलेंगे फिर इसको बाद में हम इसको तौलेंगे। तो 24 घंटे के बाद अगर हम इसको तौलें तो पानी वो सोख लेगा कुछ, तो पानी 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अच्छा क्वालिटी का ईटा नहीं माना जाएगा। अभी हम एक ईटा तौलते हैं, देखते हैं कितना है। एक ईटा को हम 1 तो हम एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो होता है इसमें हम ईंटों को तौल कर पानी में डुबोते हैं। जैसे इस ईंट को हमने डुबाया तो 3 किलो 100 ग्राम है। अब इसको पानी में डुबोकर 24 घंटे पानी में डुबोकर रखेंगे और डुबोने के बाद फिर इसको चेक करेंगे, फिर निकालेंगे कि पानी कितना इसने अब्जॉर्ब किया, कितना पानी ये सोख लिया। अगर 20% से ज्यादा पानी सोख लेता है तो पानी वो ईटा अच्छा नहीं है। कैसे हम देखते हैं कि 24 घंटे पानी में इसको डुबो कर रखेंगे, 20% से ज्यादा पानी सोखना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम का ईट है तो 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा वजन उसका नहीं होना चाहिए। अब ईट ये 3 किलो है, इसको हम पानी में डुबो दें, उसके बाद 24 घंटे के बाद इसको तौलेंगे, फिर देखेंगे कितना परसेंट इसने पानी एब्जॉर्ब किया। तो कैसे निकालते हैं परसेंट एब्जॉर्प्शन, भार में अंतर बटे प्रारंभिक भार गुणे 100। भार में अंतर क्या, कि जैसे हमने इसको तौला 3 किलो 100 ग्राम है तो ये प्रारंभिक भार हो गया, अंत में तौलेंगे तो ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि 4 किलो हो गया। तो आप 4 किलो में से 3 किलो 100 ग्राम घटाएंगे तो 900 ग्राम ये भार में अंतर हो गया। प्रारंभिक भार 3 किलो 100 ग्राम और 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, मान लीजिए कि 2.5 किलो का ईट है और 24 घंटा डुबोए रहने के बाद 3 किलो हो गया। तो आप मतलब अंतर कितना है, डिफरेंस भार में डिफरेंस जो आया, डिफरेंस इन वेट, यानी कि भार में अंतर 3 में से 2.5 घटा देंगे तो आएगा 0.5 और 2.5 ये प्रारंभिक भार है। अब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये सब काट पीट कर पूरा आ जाएगा 20%, ठीक है। तो ये ईट जो है अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, यानी कि पानी में 24 घंटे डुबोने के बाद ईट को 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, अव्वल फर्स्ट क्लास ईट को, बाकी ईटों के बारे में नहीं बात करें, फर्स्ट क्लास ईट जो है।
फिर उसके बाद देखते हैं हार्डनेस, कठोरता, इसको भी हम साइड पर टेस्ट कर सकते हैं। नाखून से इसको रगड़ लगाते हैं, अगर इसमें स्क्रेच आ जाता है तो ईंट अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाएगा, या कोई मेटल ले लेते हैं उससे स्क्रेच लगाते हैं, हल्का मेटल लेंगे तो उससे स्क्रेच लगाते हैं, अगर स्क्रेच आ जाता है तो अच्छी क्वालिटी का ईंट नहीं होगा, स्क्रेच नहीं आनी चाहिए। फिर है डायमेंशन या ब्रिक स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या देखते हैं कि जो ईंट है उसका कोना और बिल्कुल सही होना चाहिए, कोना होना, किनारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नहीं कि कोना टूटा हो, किनारा सही ना हो और उसमें तमाम उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, कहीं फूला हो, कहीं पचका हो, इस तरह ना, डायमेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे इसको देख लेते हैं, कुछ सही है, टूटा फूटा है, लेकिन ये भी सही नहीं ज़्यादा, लेकिन ईंट को बिल्कुल डायमेंशन उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, छोटा बड़ा भी ना हो और उसका डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सभी ईंटों का बराबर होना चाहिए, यही डायमेंशन। अब आगे आए इनफ्लोरेसेंस टेस्ट। इनफ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है ये होता है प्रस्फुटन टेस्ट जिसको कहते हैं, प्रस्फुटन परीक्षण। ये टेस्ट किया जाता है कि ईंट में कोई क्षारीय पदार्थ तो नहीं है, कोई इसमें एसिडिक मटेरियल तो नहीं मिला हुआ है, अगर एसिडिक मटेरियल मिला होता है तो जो है ये अच्छा क्वालिटी का ईंट नहीं माना जाता है और ये ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है ईंट। तो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 24 घंटे ईंट को पानी में भिगो कर रखते हैं, 24 घंटे पानी में भिगो कर रखने के बाद फिर इसको छाया में सुखाते हैं, छाया में सुखाने के बाद हम देखते हैं, इसको परीक्षण करेंगे, देखते हैं अगर उसमें सफ़ेद या ग्रे रंग का कोई कलर आ रहा है ऊपर तो उसमें एसिडिक, मतलब उसमें एल्कलाइन पाया गया है, मतलब पाया जाता है, ये हमें जानकारी होगी कि उसमें एल्कलाइन पाया जाता है, एल्कलाइन अगर है तो अच्छा किस्म का ईंट नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें लैब में ही करने पड़ेंगे, प्रयोगशाला में, वो घर पर नहीं कर सकते, जैसे मान लो छार है, अतिरिक्त मैग्नीशिया है, चूना ज़्यादा मिला हुआ है, तो इसको हमें लैब में टेस्ट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो ये क्रशिंग मशीन जो होती है उससे टेस्ट करते हैं, उससे दबाते हैं, तो अच्छी किस्म का जो ईटा होता है तो उसको अगर हम दबाएंगे तो उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है 3.5 न्यूटन प्रति mm² मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, जो अच्छी किस्म का ईट होता है। तो ये कुछ बातें थी जो एक अच्छी ईंट के बारे में हमें जानना चाहिए, और कोई भी ईंट खरीदने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान